दोस्तों आपका फ्री एकेडमी आईएएस पर स्वागत है। मैं हूं नासिर सैफी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में और देखेंगे ये इतना न्यूज में क्यों है। रिसेंटली एक और चीता की मौत हो चुकी है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है जिसमें से 9 एडल्ट हैं और 3 कब्स हैं। भारत में चीतों का क्या इतिहास रहा है वो देखते हैं। चीता जो इस जानवर का इंग्लिश नाम है आता है एक संस्कृत शब्द चित्रका से। इसका मतलब होता है स्पॉटेड वन, कोई ऐसा जिस पर दाग या धब्बे लगे हों, क्योंकि चीता का पूरा शरीर इन काले निशानों से भरा हुआ है। एक समय पर एशिया और अफ्रीका में भारी मात्रा में पाए जाते थे, यही कारण है भोपाल और गांधीनगर जैसी जगहों पर गुफाओं में पेंटिंग मिली हैं जो चीते को दर्शाती हैं, जो कि आज से 10,000 साल पुरानी हैं, जिनसे हमें पता चलता है चीता जहां पर भी रहा करते। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में 8,000 से कम चीते बचे हैं। आज जितने भी सर्वाइविंग चीते हैं सारे के सारे अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। एशिया में सितंबर 2022 से पहले चीतों की संख्या सिर्फ 12 के करीब थी और ये सारे 12 चीते ईरान देश के पास मौजूद थे। दिव्य भानु सिंह जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं अपनी किताब द एंड ऑफ ट्रेल द चीता इन इंडिया में बताते हैं कि एक समय पर मुगल शहंशाह अकबर 1,000 से ज़्यादा चीतों के मालिक थे। अपनी पूरी ज़िंदगी में 9,000 से ज़्यादा चीतों को पाल रखा था। सोच कर देखो कितनी भरपूर संख्या देखने को मिलती है इस जानवर की एक समय पर। कहा जाता है जहांगीर जो अकबर के बेटे थे 400 से अधिक चीतों को पकड़ा था परगना में। भारत में रहने वाले आखिरी 3 चीतों को महाराज राम अनुज प्रताप सिंह देव के द्वारा मारा गया 1947 में मध्य प्रदेश में, और फिर इंडियन गवर्नमेंट चीता को एक्सटिंक्ट घोषित कर देती है साल 1952 में। क्या हुआ इन 300 सालों में चीता पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। पहला रीजन है हंटिंग। कई राजा और महाराजा पुराने ज़माने में शौक के तौर पर चीता की हंटिंग किया करते थे। जानवरों को मारना और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना एक अचीवमेंट कंसिडर किया जाने लगा था ब्रिटिश के ज़माने में। इंडिया के राजा महाराजा ने हंटिंग इतने बड़े स्केल पर की 1900 के आते आते कई इंडियन राजाओं ने अफ्रीकन चीता इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था ताकि वो उसकी हंटिंग कर सकें। 1918 से लेकर 1945 तक 200 चीता इंडिया में लाए गए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताते हैं दिव्य धनुष अपनी किताब में, ब्रिटिश को इतनी भी दिलचस्पी नहीं थी चीता की हंटिंग करने में, वो बाकी और जानवरों में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन कभी कभार उनके हाथों भी चीता को मारा जाता था। हंटिंग इकलौता कारण नहीं था एक्सटिंक्शन के पीछे। दूसरा कारण बताया जाता है हैबिटेट लॉस। इंडिया में जैसे जैसे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट देखने को मिली लोगों ने खेत फैलाना शुरू कर दिए। चीता के रहने के लिए जो ग्रासलैंड थी वो धीरे धीरे छोटे होते चले गए। एक चीता को लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर की जगह चाहिए होती है रहने के लिए। जब इनकी रहने के लिए जगह नहीं बची तो पॉपुलेशन अपने आप घटने लगी मजबूरन। 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया था, तभी से चीता रीइंट्रोडक्शन की बात छिड़ने लग गई थी। सबसे पहले इसका मेंशन किया गया था हमारी वाइल्ड लाइफ मीटिंग मैसूर में। सालों बाद 1970s में ईरान से चीता इंपोर्ट करने का आइडिया प्रपोज किया गया। एक्सपर्ट ने कहा इंडिया अपने एशियाटिक लाइन ईरान को दे सकता है एक्सचेंज में। उन दिनों ईरान के पास लगभग 300 चीता थे, लेकिन कुछ वजह से ये प्लान काम नहीं कर पाया। फिर साल बाद 2009 में दोबारा से प्रपोजल बनाया जाता है चीता को इंडिया में इंपोर्ट कराने के लिए, इस बारी अफ्रीका से। इंडियन सरकार 7 अलग अलग सेंचुरी में सर्वे कराती है, देखा जाता है ये प्लान फीजिबल हो सकता है या नहीं। 2010 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को रिकमेंड किया जाता है, ये अच्छी जगह होगी चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की। साल बाद 2012 में चीता को नामीबिया से लाने का एक रोड मैप तैयार किया जाता है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री प्लान को फाइनलाइज करने लगती है, लेकिन अप्रैल 2013 इंडिया के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रोसेस पर रोक लगा दी जाती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से डिस्कस नहीं किया है इस प्रपोजल को लेकर। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट अपने 7 साल पहले के फैसले को रिवर्स कर देता है। चीता को इंपोर्ट कराना एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अलाउ कर दिया जाता है। फाइनली जाकर सितंबर 2022 में इंडिया ने इस चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अभी तक 20 चीतों को इंपोर्ट किया जा चुका है, जिनमें से पहले 8 नामीबिया से इंपोर्ट कराया है प्रधानमंत्री के बर्थडे 17 सितंबर पर। 18 फरवरी 2023
साउथ अफ्रीका देश से 12 और चीतों को इंडिया में लाया जाता है। अगले महीने मार्च में एक अच्छी खबर सुनने को मिलती है, नामीबिया से आई शिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। इस पॉइंट पर इंडिया में 24 चीते मौजूद थे, 4 बच्चों को इंक्लूड कर दिया जाए। अब तक 24 में से 9 चीते मारे जाते हैं, आखिर क्या कारण है? लेटेस्ट डेथ 2 अगस्त 2023 की है, जब 3 साल की धात्री का देहांत हुआ। इससे कुछ दिन पहले 3 साल के सूरज की डेथ 14 जुलाई को हो गई और 5 से 6 के तेजस की मौत हो गई। लगभग 3 हफ्तों में 3 चीता मारे गए और जो 4 बच्चे पैदा हुए थे उनमें से भी 3 मारे जा चुके हैं, एक 23 मई को और 2 25 मई को। इनकी डेथ के पीछे रीजन बताया गया डिहाइड्रेशन और गर्मी। 9 में से जो 6 की डेथ हुई है वो एडल्ट हैं। सबसे पहले मृत्यु 27 मार्च को ही देखने को मिल गई थी, जब 5 साल के शाशा की मौत हो गई थी। किडनी फेलियर इसके पीछे रीजन बताया गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने बताया, शाशा को किडनी प्रॉब्लम पहले से ही थी, जब से उसको नामीबिया से लाया गया था। दूसरी डेथ हुई 23 अप्रैल को 6 साल की उदय की, जिसके पीछे कारण बताया गया हार्ट फेलियर। तीसरी डेथ 9 मई को दक्ष मारी गई, कूनो ऑफिशियल ने कहा ये हुआ क्योंकि उस पर 2 चीता वायु एंड अग्नि हमला कर रहे थे। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं चीता के बारे में। चीता जो है फास्टेस्ट एनिमल है वर्ल्ड में, जो 3 सेकंड में 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है, जो एक स्पोर्ट्स कार की होती है। जैसा मैंने पहले बताया है आपको, न्यूलिथिक टाइम से केव पेंटिंग में चीता को दर्शाया गया है, मतलब 80 लाख साल पहले से ये जानवर धरती पर घूम रहा है। चीता पूरी दुनिया में 8000 से कम बचे हैं। चीता की 2 स्पीसीज होती हैं, पहली अफ्रीकन चीता, दूसरा एशियाटिक चीता। अफ्रीकन चीता अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और इनकी संख्या हजारों में है, और बात करें एशियाटिक चीता की, ये सिर्फ ईरान में बचे हैं, सिर्फ 12 चीते बचे हैं। अफ्रीकन चीते के फेस पर ज़्यादा स्पॉट्स और लाइन होती हैं और एशियाटिक पर कम लाइन्स और स्पॉट्स होते हैं। अफ्रीकन चीता IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल है, और बात करें एशियाटिक चीते की तो उसको क्रिटिकली इंडेंगर्ड में रखा गया। अगर हम साइट्स में देखें तो इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। सवाल ये उठता है, क्या प्रोजेक्ट चीता फेल हो गया है? वो इन्वायरमेंट भारत में दिया जा रहा है, वो साउथ अफ्रीका से अलग है। साउथ अफ्रीका और नामीबिया में चीता को फेंस में रखा जाता है, लेकिन इंडिया में चीतों को खुले जंगलों में रखा जा रहा है, इसलिए चीतों को सर्वाइविंग करना मुश्किल हो रहा है या चैलेंजिंग हो रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल माना जाएगा अगर 50% भी चीता सर्वाइव कर जाते हैं। फॉर्चुनेटली 24 में से 15 ही चीते बचे हैं। इस स्थिति में सरकार चीतों के घटने का और वेट करेगी या फिर कोई नेसेसरी एक्शन लेगी जल्दी? वेंडर मर्फी जो चीता एक्सपर्ट हैं और प्रोजेक्ट चीता के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि चीता रीइंट्रोडक्शन अनफेंस्ड एरियाज में कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ऐसा 15 बार प्रयास किया गया है लेकिन हर बार असफलता देखनी पड़ी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया को पूरे चीता रिजर्व को फेंस कर देना चाहिए, हम बस इतना कह रहे हैं कि 2 या 3 को फेंस करके देखिए। कारेन लॉरेंसन ने रिवील किया है कि 4.8% कब सी एडल्टहुड तक पहुँच पाते हैं, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। स्टेटिक्स बताते हैं इवन इन साउथ अफ्रीका चीता लॉज देयर लाइफ इन कंफ्लिक्ट विद अदर्स। आशा करता हूँ पूरा वीडियो रिगार्डिंग प्रोजेक्ट चीता, हर एक चीज, हर एक डिटेल, हर एक डायमेंशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल फ्री अकेडमी IAS को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू, टेक केयर।